हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट थर्ड। डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट सेकंड में हम लोगों ने तीन स्टेप्स के बारे में पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन की, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, प्राइमर फॉर्मेशन एंड फोर्थ स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। फोर्थ स्टेप इज दी डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। ये टेम्पलेट स्टैंड है 3' to 5' और 5' to 3' एंटी पैरलर है। इस स्टैंड के ऊपर ये जो प्राइमर है वो अटैच्ड हुआ है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। इस रेप्लिकेशन फोर्क के ऊपर यहाँ पर 5' to 3' और ये 3' पर नए न्यूक्लियोटाइड्स आकर ऐड हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इस 3' पर फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है 5' पर न्यूक्लियोटाइड। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इस न्यूक्लियोटाइड और इस टेम्पलेट डीएनए स्टैंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जस्ट अपोजिट इसके ऊपर यहाँ से बनेगा इस स्टैंड के ऊपर, क्योंकि ये 5' है और हम लोग सिंथेसाइज करवाएंगे 3' to 5', तो प्राइमर ऐड होगा यहाँ पर 5' to 3', ये प्राइमर है। और इसका थर्ड प्राइम एंड है, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ से 5' एंड हो गए किसके न्यूक्लियोटाइड्स के, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जस्ट लाइक दिस, और हेयर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो स्टैंड सिंथेसाइज हो रही है वो न्यू स्टैंड है, ऑलवेज ग्रोइंग फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शंस। ऑलवेज क्या होगी, 5' to 3' डायरेक्शन पे ग्रो होगी। ये है अपना केस फर्स्ट है, ठीक है, केस फर्स्ट है। तो पेरेंट स्टैंड को हम लोग टेम्पलेट स्टैंड भी बोल सकते हैं। तो पेरेंट स्टैंड ये होगी 3' to 5' और 3' to 5'। इसका डायरेक्शन हम लोग शो नहीं करेंगे, पोलैरिटी न्यू सिंथेसाइज स्टैंड में दिखाएंगे 5' to 3'। न्यू स्टैंड सिंथेसाइज होगी, दैट इज ऑलवेज 5' to 3'। अब इस पार्ट को हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। द प्राइमरी इज फॉर्म्ड एट द थर्ड एंड ऑफ द पेरेंट स्टैंड। प्राइमर फॉर्म्ड हो रहा है कहाँ पे, थर्ड एंड ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड या पेरेंट स्टैंड, इस पे ये रहा। रीजन एट थर्ड एंड इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसका रीजन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि थर्ड एंड पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। द प्राइमर इज फॉर्म्ड एट द थर्ड एंड ऑफ द पेरेंट स्टैंड, रीजन एट द थर्ड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सेम वे ऑन द अनदर स्टैंड, और सेम वे अनदर स्टैंड के ऊपर भी 5' to 3', ठीक है। ये थर्ड एंड हो गया, इस थर्ड एंड के ऊपर प्राइमर ऐड होता है। पेरेंट स्टैंड इज 3-5', यानी थर्ड कार्बन टू 5 carbon, नो डायरेक्शन शोइंग, डायरेक्शन शो नहीं हो रहा। न्यू सिंथेसाइज स्टैंड 5' to 3', डायरेक्शन ऑलवेज यही रहेगा, शो करना है। इन फ्रंट ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप डीएनए न्यूक्लियोटाइड कम्स, डीएनए हाइड्रोक्सिल विल कम डीएनए न्यूक्लियोटाइड, यानी इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के सामने जो प्राइमर है, इसका ये थर्ड प्राइम एम है, यहाँ पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड आके ऐड होता है, ये ऐड हो रहे हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड विल हैव इट्स फिफ्थ कार्बन, सो ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड ए हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे ये इसका 5' है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, और ये प्राइमर का 3' है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनाया गया ये वाला, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, और इस टेम्पलेट डीएनए और न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एंड नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड एज सो ऑन, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ते जाएंगे, थर्ड एंड होगा ये 5', ये थर्ड एंड, ये 5', ठीक है, थर्ड एंड, और इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। न्यू स्टैंड इट इज ऑलवेज सिंथेसाइज इन 5' to 3' डायरेक्ट, न्यू स्टैंड ऑलवेज इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगी। अब बात करते हैं, ये रेप्लिकेशन फोर्क है, इस स्टैंड के ऊपर डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और आके ऐड हो सकते हैं, बट इस डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में ये क्या हो चुकी है, टेम्पलेट स्टैंड कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर और ऐड नहीं होंगे, दूसरा प्राइमर की रिक्वायर्ड होगी, वो केस सेकेंड में देखते हैं। न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड ऑन बोथ स्टैंड ड्यू टू डीएनए पॉलीमरेज बोथ द स्टैंड सिमोटेनियसली। इस रेप्लिकेशन फोर्क के ऊपर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं आकर के, किसकी वजह से, पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से, ठीक है,
दोनों स्टैंड्स पे सिमटेनियसली। फिर इसके बाद में ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में जब ये रेप्लिकेशन फोर्क और एनलार्ज होता है, द फोर्क ओपनड अप ए लिटिल मोर, फोर्क क्या होता है थोड़ा सा और खुलता है, ठीक है, तो वो केस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या हो गया, एनलार्ज हो गया केस। ये अपना फर्स्ट प्राइमर था और इधर ये अपना फर्स्ट प्राइमर है, ठीक है। ये सारी स्टेप वैसे ही, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड टेम्पलेट डीएनए के बीच में, प्राइमर हो गया। ये कंटिन्यूसली चलता रहता है क्योंकि इसके ऊपर नए प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये थर्ड प्राइम टू फाइव प्राइम कंटिन्यूस, फाइव प्राइम टू थर्ड प्राइम कंटिन्यूसली चलता रहेगा। न्यू स्टैंड्स पे ऐड होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते जाएंगे, न्यू स्टैंड सिंथेसाइज। इस डायरेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइमर ऐड हुआ था और यहाँ तक न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो गए। अब ये स्टैंड्स क्या हो चुकी है, टेम्पलेट स्टैंड कंप्लीट हो चुकी है, अब और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं हो सकते। तो दूसरा प्राइमर, ये सेकंड प्राइमर है, दिस वन इज़ द सेकंड प्राइमर, ये फर्स्ट प्राइमर है, कंप्लीट हो चुका है, जो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि स्टैंड कंप्लीट हो चुका। दूसरा प्राइमर आके यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्राइमर सेकंड हो जाएगा और ये प्राइमर फर्स्ट है, ठीक है। ये यहाँ से ग्रो करेगा इस डायरेक्शन में, प्राइमर फर्स्ट पार्ट पे और ये सेकंड पार्ट पे, ये सेकंड पार्ट पे न्यूक्लियोटाइड हैं, ये फर्स्ट पार्ट पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। दिस इज द प्राइमर फर्स्ट, दिस इज द प्राइमर सेकंड, इस पे और ऐड होते जाएंगे प्राइमर, और इसमें कंटिन्यूसली एक ही प्राइमर के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड कंप्लीट हो चुके हैं। इन केस फर्स्ट फोर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड टू द प्राइमर, इन केस फर्स्ट ऐड फोर न्यूक्लियोटाइड टू द प्राइमर, बोथ स्टैंड, दोनों स्टैंड्स के ऊपर। वन स्टैंड ग्रो विद एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, वन स्टैंड ग्रो कर रही है एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स पाँच छः सात आठ नौ दस कंटिन्यूसली। ऑन द वन पार्ट पेरेंट स्टैंड न्यू स्टैंड ग्रो कंटिन्यूसली फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, इस पेरेंट स्टैंड के ऊपर टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर नई स्टैंड ग्रो करती है कंटिन्यूसली फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन पे, ठीक है। ऑन द अदर स्टैंड वन प्राइमर फोर डीएनए न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूसली, दूसरे पार्ट के ऊपर ये टेम्पलेट डीएनए कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, तो ये चार न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। ऑन अदर स्टैंड फर्स्ट प्राइमर ऐड फोर न्यूक्लियोटाइड, चार न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है यहाँ पर एक प्राइमर। After that न्यू प्राइमर सेकेंड प्राइमर ऐड होता है और न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड बिकॉज नो टेम्पलेट स्टैंड लेफ्ट, क्योंकि नया प्राइमर की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड अब लेफ्ट नहीं है। मान लिया जाए ये प्राइमर फर्स्ट था तो ये ऐड हो गया यहाँ पर, ये टेम्पलेट स्टैंड कंप्लीट हो गया, अब दूसरा प्राइमर आएगा, प्राइमर सेकेंड और नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। अदर प्राइमर ऐड न्यू स्टैंड, न्यू स्टैंड पे इस स्टैंड के ऊपर न्यूली जो सिंथेसाइज है वहाँ पे पेरेंट टेम्पलेट डीएनए के ऊपर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है नए प्राइमर के ऊपर। एंड द अनदर अदर स्टैंड ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स विद न्यू प्राइमर, इस स्टैंड पे कंटिन्यूसली बनते जाएंगे और इस पे प्राइमर जोड़ेंगे, नए एडिशन होता जाएगा। अब बात करते हैं, ये एक स्टैंड है, इस पे एक प्राइमर है, फॉस्फोडाइएस्टर बनाएगा न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इस स्टैंड को हम लोग कंटिन्यूस स्टैंड बोलते हैं, न्यू स्टैंड्स, ये टेम्पलेट स्टैंड है और इसके ऊपर जो न्यू स्टैंड बन रही है वो कंटिन्यूस स्टैंड है। दूसरी स्टैंड ये वाली, इसके ऊपर ये फर्स्ट प्राइमर था, इस पर चार न्यूक्लियोटाइड जुड़े और ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर ख़त्म हो जाए। अब दूसरा प्राइमर यहाँ जुड़ेगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे, फिर तीसरा प्राइमर यहाँ जुड़ेगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे, तो ये कंटिन्यूस नहीं होती, डिसकंटिन्यूस स्टैंड होती है। और ये जो फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के, जो टुकड़े बनेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे, उनको हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो बन रही है, एक न्यूक्लियोटाइड है ये डीएनए का फ्रैगमेंट हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ये डीएनए का फ्रैगमेंट हो गया, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हो गए। ये अपनी क्या होगी, स्टेप नंबर फोर होगी, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। अब है स्टेप नंबर फाइव, रिमूवल ऑफ द प्राइमर बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट,
रिमूवल ऑफ द प्राइमर बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इस स्टैंड पे कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होता रहता है, जैसे लाइक दिस, दिस इज द कंटिन्यूअस सिंथेसिस। एक प्राइमर के ऊपर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाते हैं, बट इस स्टैंड पे नए प्राइमर जुड़ेंगे, नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। तो दिस स्टैंड इज कंटिन्यूअस स्टैंड और ऑल्सो नोन एज लेडिंग स्टैंड। ये वाले स्टैंड, इस पे नए प्राइमर जुड़ते हैं, नए न्यूक्लियोटाइड से डिसकंटिन्यूअस स्टैंड और लैगिंग स्टैंड होती है। ये लीडिंग स्टैंड हो जाएगी अपनी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस अपनी लैगिंग स्टैंड। जैसे फर्स्ट प्राइमर था अपना यहाँ पे, तो फर्स्ट प्राइमर के ऊपर जो सिंथेसिस होना था वो कंप्लीट हो चुका। सेकेंड प्राइमर अपना ये यहाँ पर, यहाँ से, और थर्ड प्राइमर ये यहाँ पर। जब ये रेप्लिकेशन फॉर्क एनलार्ज होगा, बड़ा होता जाएगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ प्राइमर बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स पर, और ये स्टैंड्स क्या बन जाते हैं, फ्रेगमेंट्स बन गए डीएनए के, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। फिर डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं यहाँ पर अपने, ये वाले पार्ट्स डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, दीज वन आर द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या हो गया अपने, ये वाले ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, एंड इनको डार्क कर देता हूँ मैं, वन टू एंड थ्री, सो ऑन कंटिन्यूस जुड़ते जाएंगे। ये क्या हो गया, ये प्राइमर फर्स्ट, ये प्राइमर सेकंड, ये प्राइमर थर्ड। तो ये हो गया रिमूवल ऑफ प्राइमर। अब जब प्राइमर हटाएंगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाता है। तो उसको गैप क्या करना पड़ता है, जब ये हटाएंगे तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए गैप फिलिंग करनी होती है, रिप्लेस बाय आरएनए न्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड थे, अब आरएनए प्राइमर को जब हम लोग हटाएंगे, डीएनए डिपेंडेंट प्राइमर को जब हटाते हैं, तो इस गैप फिलिंग को पूरा करने के लिए ये प्राइमर रिप्लेस कर दिया जाता है आरएनए न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाता है, किसकी जगह पे, प्राइमर की जगह पे आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। कंटिन्यूअस स्टैंड फॉर्म फर्स्ट एंड डिसकंटिन्यूअस स्टैंड फॉर्म सेकंड ऑलवेज। कंटिन्यूअस स्टैंड पहले फॉर्म हो गए, डिसकंटिन्यूअस बाद में। क्यों, क्योंकि इस स्टैंड के ऊपर अपने को एक ही प्राइमर के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जा रहे हैं, और डिसकंटिन्यूअस के ऊपर एक प्राइम पे न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा प्राइमर आएगा, और न्यूक्लियोटाइड आएंगे, फिर तीसरा प्राइमर आएगा और न्यूक्लियोटाइड। इसलिए ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है, इसलिए इसके ऊपर क्या होगा, ये जल्दी फास्ट ग्रोथ करती है, और ये थोड़ा बाद में लेटर। नेक्स्ट है अपना प्रूफ रीडिंग एंड फॉलोड बाय रिपेयरिंग। प्रूफ रीडिंग होती है पहले, और उसके बाद में ये कंटिन्यूस चलती है, रिपेयर होती है। प्रूफ रीडिंग से मतलब है, इफ देयर इज ए रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड कम्स, देन इट फर्स्ट प्रूफ रीडिंग एंड देन रिपेयर इट। इसकी स्टेप में क्या होता है, अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गलत आ जाता है, ठीक है, किसकी वजह से, रॉन्ग ड्यू टू म्यूटेशन हो सकता है, या और कोई दूसरा रीजन हो सकता है। म्यूटेशन की वजह से अगर कोई नया गलत न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, तो इसको प्रूफ रीड करता है, चेक करता है कि सही है या गलत है, ठीक है। और उसके बाद में प्रूफ रीडिंग के बाद में ये रिपेयरिंग की जाती है, कि इट मीन्स उसकी जगह पे कौन सा आना चाहिए था उसको रिपेयर करते हैं। दैट इज़ द प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरिंग फॉलोड बाय रिपेयरिंग। प्रूफ रीडिंग चेक करेगा और फिर रिपेयर होगा। प्रूफ रीडिंग इज डन बाई एंजाइम। अब ये प्रूफ रीडिंग यानी ये कौन चेक करता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड गलत आएगा। हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट फर्स्ट में, एंजाइम पढ़े थे, उनमें बताया था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कि सब यूनिट एप्साइलॉन, ठीक है, ये सब यूनिट सेकेंड है, सब यूनिट टू। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो एंजाइम है उसकी यूनिट है एप्साइलॉन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट की सब यूनिट है एप्साइलॉन, और दूसरा एंजाइम है न्यूक्लियस। तो प्रूफ रीडिंग यानी ये कौन चेक करता है कि गलत न्यूक्लियोटाइड आ गया, वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का एप्साइलॉन सब यूनिट जो सेकंड होती है वो चेक करता है, और न्यूक्लियस एंजाइम चेक करता है कि कोई न्यूक्लियोटाइड गलत नहीं आ गया, उसके बाद में रिपेयरिंग होती है। वी हैव टू पेरेंट स्टैंड, हमारे पास दो पेरेंट स्टैंड है, कौन कौन सी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दो पेरेंट स्टैंड है। फर्स्ट
पेरेंट स्टैंड 5-3-, इसमें डायरेक्शन शो नहीं करना है। इसके ऊपर जो न्यू स्टैंड सिंथेसाइज होगी, यहाँ से माने हम लोग जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, तो ये पॉइंट दिखा रखे हैं, तो 5'-3' डायरेक्शन कंटिन्यूअस मैनर लीडिंग स्टैंड। इस स्टैंड के ऊपर कैसी होगी? कंटिन्यूअस मैनर, उसको लीडिंग स्टैंड बोल सकते हैं या कंटिन्यूअस स्टैंड। सेकेंड स्टैंड 5-3-, इसके ऊपर इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है, दैट इज 5'-3'। डायरेक्शन सेम ही है 5-3, इधर भी 5-3 है, बट ये एंटी पैरेलल है दूसरे डायरेक्शन में। दिस इज द लैगिंग स्टैंड और डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। इसके ऊपर कंटिन्यूअस स्टैंड नहीं बनती है, ओकाजा के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्टैंड बोल सकते हैं या लैगिंग स्टैंड बोलेंगे, ठीक है। ये अपनी स्टेप नंबर 6 थी, प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरिंग। ओनली वन डिफरेंस इन बिटवीन टू पेरेंट स्टैंड। इन दोनों पेरेंट स्टैंड्स में डिफरेंस क्या है? वन ग्रो न्यू स्टैंड कंटिन्यूअसली, एक के ऊपर तो एक टेम्पलेट या पेरेंट स्टैंड के ऊपर न्यू स्टैंड जो ग्रो करेगी वो क्या होती है? कंटिन्यूअसली। एंड अनदर पेरेंट स्टैंड के ऊपर जो न्यू स्टैंड ग्रोथ करेगी वो डिसकंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअसली हम लोग बोल सकते हैं लीडिंग, ठीक है, और डिसकंटिन्यूअसली को हम लोग लैगिंग स्टैंड बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? इसके ऊपर अपनी जो स्टैंड बनेगी उसको हम लोग बोल सकते हैं लीडिंग स्टैंड, और इसके ऊपर जो बनेगी वो लैगिंग स्टैंड। डिसकंटिन्यूअस के ऊपर लैगिंग और कंटिन्यूअस के ऊपर लीडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये जो हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें दो स्टैंड्स के ऊपर सिमोटेनियसली नई स्टैंड सिंथेसाइज होती है, उसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग है द न्यूली फॉर्म्ड टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर। द न्यूली फॉर्म्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हैज वन स्टैंड व्हिच इज ऑफ द पेरेंट। एक स्टैंड कैसी होती है? पेरेंट की होती है। एंड अनदर स्टैंड विच इज ऑफ द न्यू स्टैंड। दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव। क्या कह रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं ये हमारे डीएनए की पेरेंट स्टैंड है, एक पेरेंट स्टैंड ये होगी, ठीक है, और ये क्या हो रही है? न्यू स्टैंड। तो बोल रहा है कि इस टाइप का रेप्लिकेशन जिसमें एक पेरेंट स्टैंड होती है और एक क्या होती है? नई ग्रोथ कही हुई स्टैंड होती है। तो टेम्पलेट स्टैंड या पेरेंट स्टैंड के ऊपर साथ में दूसरी क्या बन रही है? न्यू स्टैंड बनती है। इस टाइप के रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोल सकते हैं। ये हमारा रेप्लिकेशन के स्टेप्स थे। अब इनको शॉर्टेस्ट वे में या इनको दोबारा से एक बार देखते हैं कौन कौन से स्टेप थी। स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन, फर्स्ट स्टेप थी अपनी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा है अपना स्टेप ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, थर्ड है अपनी प्राइमर फॉर्मेशन, फोर्थ है अपना डीएनए रेप्लिकेशन, एंड फिफ्थ है अपना रिमूवल ऑफ प्राइमर बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एंड सिक्स्थ है अपना प्रूफ रीडिंग फॉलोड बाय रिपेयरिंग। तो प्रूफ रीडिंग चेक किया जाता है और उसको रिपेयर किया जाता है। अब छोटा सा पॉइंट आउट पढ़ते हैं रेप्लिकेशन से रिलेटेड। कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन था डीएनए और आरएनए रेप्लिकेशन के अंदर। थ्री साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए रेप्लिकेशन। साइंटिस्ट हैं जो तीन साइंटिस्ट हैं जिनका स्पेशलाइजेशन था डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर, या उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए थे या बताया था उनसे रिलेटेड एस्पेक्ट्स। सबसे पहले है डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। इन्होंने इन विट्रो सिंथेसिस किया था, किसका? डीएनए का विदाउट टेम्पलेट। इन विट्रो का मतलब इन्होंने लैब में डीएनए बनाया था, किसके? विदाउट टेम्पलेट, यानी इन्होंने कोई पेरेंट डीएनए का यूज नहीं किया, विदाउट टेम्पलेट डीएनए के इन्होंने क्या किया था? नया डीएनए का सिंथेसिस किया था लैब कंडीशन। इन विट्रो का मतलब इन लैब कंडीशन दे फॉर्म्ड न्यू डीएनए विदाउट टेम्पलेट, यानी पेरेंट डीएनए का इन्होंने कोई यूज नहीं किया। हम लोग रेप्लिकेशन करवा रहे हैं यानी नया स्टैंड बना रहे हैं, उसमें टेम्पलेट का यूज कर रहे हैं, बट इन्होंने टेम्पलेट का यूज नहीं किया और सीधा ही डीएनए बनाया था, डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। सेकेंड साइंटिस्ट है अपने कॉर्नबर्ग, CKORN कॉर्नबर्ग, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए विद टेम्पलेट।
इन्होंने भी डीएनए का सिंथेसिस किया था लैब कंडीशन में, बट इन्होंने क्या यूज़ लिया था, टेम्पलेट डीएनए का यूज लिया था, जैसा हम लोग अभी डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़े हैं सेम लाइक। और हरगोविंद सिंह खुराना ने डीएनए डीएनए का सिंथेसिस किया था बट विदाउट टेम्पलेट, पेरेंट स्ट्रैंड का यूज़ नहीं किया था। और कौन बर्न ने टेम्पलेट डीएनए का यूज़ किया था। नेक्स्ट है अपना साइंटिस्ट ओचा, या प्रोनाउंसिएशन आप लोग ओचा या ओचे बोल सकते हो, ठीक है प्रोनाउंसिएशन। इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए, इन्होंने सिंथेसिस किया था आरएनए का इन लैब कंडीशन। ये अपना है डीएनए रेप्लिकेशन और थ्री साइंटिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन था डीएनए रेप्लिकेशन में। थैंक यू।